पास भी नहीं है वो बॉलर इतने तगड़े बिल्कुल, लेकिन उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट चल रहा है। तो चलिए चलते हैं, अब लखनऊ चलते हैं, वहां से कपिल भाई हमारे साथ हैं, वहां से और भी बात करेंगे उनसे, थोड़ा जानेंगे क्योंकि जिस तरीके से यहां पर फैंस होंगे, फैंस भी साथ में है कपिल भाई। हां जी, ओवर टू यू। बिल्कुल चयन, फैंस का यहाँ पर एक ही बात बार बार कह रहे हैं वो, कि आप हार्दिक पांड्या जब भी टीम में आएंगे आप मोहम्मद शमी को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, और ये बात बार बार शमी एक स्टेटमेंट के तौर पर वो कह रहे हैं इस बात को लगातार अपने परफॉर्मेंस से कि कैसे आप उनको बाहर रख सकते हैं। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दूसरा ओवर क्यों नहीं दिया, पहला ओवर क्यों नहीं दिया, आपने सिराज को पहले क्यों लेकर आए। शमी का अनुभव जो है वो वर्ल्ड क्लास है, उनको आप दूर कैसे रख सकते हैं। फैंस हमारे साथ हैं, कमाल की जीत, जब 229 बने थे थोड़ा डर लगा था, थोड़ा सा डर लगा था, पर हमें इंडिया पे पूरा कॉन्फिडेंस था और हम इंडिया को जज के चीयर्स कर रहे थे और बहुत इंजॉय कर रहे थे आज का मैच। तो ट्रॉफी आ रही है फिर? बिल्कुल आ रही है। आप बताइए कमाल की जी। हमारी पूरी बॉलिंग बहुत ही अमेजिंग थी, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको चीयर करना चाहिए और उनको ऑल द बेस्ट करना चाहिए फॉर ऑल द अपकमिंग गेम्स। और ये जो लखनऊ है ये तहजीब का शहर है, तो बड़े अदब से हरा दिया, प्यार से, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए। शमी जी को हमेशा ओपनिंग बॉलिंग में लाना चाहिए, इनको बुमराह और शमी का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। ये बात है। अश्विन खिलाओ अगले मैच में। सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बार वर्ल्ड कप भारत में ही है। थैंक यू कपिल भाई। शोएब भाई के पास चलते हैं, ये हाँ। बात बड़ी अच्छी कही है इन्होंने। शोएब भाई अगर आप हमारे साथ हैं, हाँ। अरे है मेरे ख्याल हाँ, है ठीक है ठीक है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पे जो उन्होंने बात कही है वो ये है कि शमी से ओपनिंग नहीं कराई थी, ओपनिंग सिराज से कराई थी बॉलिंग की, और वहां पे थोड़े से सिराज भी जो है जेडेड दिखे, थोड़े से मतलब रन खा रहे थे, थोड़े डिस्कम्फर्ट में भी दिख रहे थे। क्या सच में शमी से ओपन कराना चाहिए था बॉलिंग को? 100% यार, वो सीम बॉलर है, वो सीम पे फेंकने वाला बॉलर है और आगे बॉलिंग करता है। सिराज ज्यादा कंफर्टेबल रहता है जब बॉल कम सीम हो रहा हो और जोर ज्यादा लग रहा हो, ये आपको टेक्निकल बात बता रहा हूँ। और अगर शमी आज करते तो 5 आउट करते नए बॉल से, तो इसलिए शमी और बुमराह का जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत लीथल है, और स्पेशली शाम में और शाम के वक्त बहुत लीथल है। आई थिंक इंडिया विल बी थिंकिंग अबाउट दैट टू। लेकिन आपका कप्तान सियाना है, वो सिराज का कॉन्फिडेंस लो नहीं करना चाहता, इसलिए उसने खिलाया, वो खिलाता ही रहेगा उसको जब तक वो कंप्लीट फास्ट बॉलर नहीं बन जाता। बट ही इज मोर कंफर्टेबल विद ओल्डर बॉल सिराज, जब वो उसकी बॉडी अलाउ करे कि मैं तेज भी फेंक लूंगा तो बाहर वाइड वुड नहीं होंगी तो मैं खोल के बॉल कर सकता हूँ, तो अपना जिस्म खोल के भाग सकता है, कर सकता है। अभी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है बिकॉज कप्तान एक बैट्समैन है, वो कहता है इस तरफ बॉलिंग करो, इस तरफ बॉलिंग करो, समझे ना बात। आप एज अ बॉलर ना रिस्ट्रिक्ट नहीं होते, आप मुझे कहते ना यार इस साइड ऑफ साइड पे बॉलिंग करनी, तो लेग साइड पे मामे ने बाप बॉलिंग करनी है, लेग साइड पे तो खुन्ने खोल लेना हमने जी। तो इसीलिए तो शमी का कंट्रोल बेहतर है सिराज से। When he comes, when he takes over a new ball in times to come, और मुझे लगता है ये होने वाला है, then यार ये मेरे ख्याल में 100 रन जीते ना, ये 130 रन जीते आप। So it is very important and Shami is a very good asset for you. He is looking very lethal. आगे बॉल कर रहा है और वही काम कर रहा है, इज नॉट बुमराह तो एक लग क्लास का बंदा है ना यार, वो तो कमाल है ना यार, वो तो कभी कोई कहां से वाइडर तो क्रीज आउट स्विंग कर रहा है, क्लोजर स्टम्प क्रीज कर रहा है, फिर उसको नहीं समझ आ रही उसकी जो मेन स्ट्रेंथ आती है वो राउंड द विकेट आ जाती है फिर स्ट्रेंथ। अब उसमें आप बच नहीं सकते, बड़ा मिलान ने बचा यहां से करके ऑफ स्टंप से, उसने बल्ले का एंगल भी किया, स्विंग के साथ भी खेला, चौका भी मारा, वो बुमराह सियाना बहुत है, चलाक बहुत है, वो उधर से आ गया, अब उधर से आया तो वो फंस गया, अब उसको कमिट करा रहा है, वो कमिट करना है उसके मिलान को, बिकॉज बुमराह का एंगल ऐसा है कि वो पीछे जाता है बॉल के ऑल द वे, वो मेक श्योर कराता है कि आपकी तरफ बॉल आ रहा है, बेसिकली बॉल आता नहीं, आप जितने मर्जी अच्छे बैट्समैन आप निकल जाएंगे आगे जी। तो आई थिंक शमी इज अ ग्रेट चॉइस, बुमराह इज वेरी लीथल, सिराज विद ओल्ड बॉल आई कुड सी द स्ट्रेंथ एंड देन प्लस यू मिक्सिंग अप विद कुलदीप एंड यादव, कुलदीप एंड जडेजा, आई थिंक 5 बॉलर्स आर नॉट इनफ फॉर यू, मेरे ख्याल में मोर देन इनफ फॉर यू। अगर आपने एक ओवर खिलाना, आपके पास लग्जरी है आपके पास, आपकी बैटिंग अगर जल्दी ना करे तो आपके पास ये लग्जरी बहुत अच्छी मजेदार लग्जरी है,
आकाश का प्रॉब्लम हल हो गया आठवें विकेट वाला, अब आप जीत भी गए हो, आप बॉलिंग में भी जीत गए हो, आपने फेंटा लगाया, फेंटा समझते हैं ना आपने, उनकी आपने उनके वक्यों पे मुक्का मारा है आपने आज, आज पूरी दुनिया को आपने ये बता दिया है कि वक्यां सुझा दी हैं आपने, तो वक्यां सूझ गई भाई जान, आप बॉलिंग यूनिट से भी डरो भाई, बैटिंग तो आपने डरना ही डरना था, अब बॉलिंग यूनिट से डरो भाई, अब पता नहीं आगे कौन सी टीमें क्या करती हैं आपके साथ और आप उनके साथ क्या करते हो, देन इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं मैचेस बहुत कम देखता हूँ यार, मैं पाकिस्तान के देखता हूँ या इंडिया का मैच देखता हूँ सॉरी, बट मुझे कल न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखना चाहिए था, मिस हो गया, लेकिन क्या बात है यार, ये दो चार टीमें जो खेल रही क्रिकेट, आई थिंक दे आर प्लेइंग ऑन द नेक्स्ट लेवल यार। ठीक है आकाश भाई, मैं आपसे जानूंगा, क्योंकि ये सवाल शोएब भाई से इसलिए पूछा क्योंकि आपसे तो हम पूरे मैच के टाइम पर पूछ ही रहे थे ये बात, और आप लगातार कह रहे थे कि भाई शमी को ही बॉलिंग करनी चाहिए थी जसप्रीत बुमराह के साथ, लेकिन अब पिछले मैच में 5 विकेट आ चुके हैं, इस मैच में 4 विकेट ले लिए शमी ने, 2 मौके मिले, 9 विकेट उनकी झोली में, अब क्या टीम मैनेजमेंट इस चीज के ऊपर, अब क्या टीम मैनेजमेंट को हमने मैं कह रहा हूं कि उनको अब फोर्स कर दिया है इस चेंज करने के लिए कि जब अगला मैच खेला जाएगा श्रीलंका से तो नई बॉल जो होगी वो जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को ही मिलेगी, विदाउट डाउट यार, क्योंकि ना एक चीज है फॉर्म जो है ना वो सबसे ऊपर है, सी पेडिग्री की हम बात जरूर करते हैं, पेडिग्री ऑफ कोर्स है वो दोनों में है, क्योंकि सिराज आई डोंट नो अभी करंट आईसीसी रैंकिंग्स क्या है, पर पिछले हफ्ते तक तो नंबर 1 पे ही थे, अगर ओडीआई रैंकिंग्स की बात करें तो सिराज की क्लास या सिराज की जो काबिलियत है उस पर कोई शक नहीं है, अभी एशिया कप का फाइनल था, 6 विकेट ऐसे ले लिए थे, तो है नंबर 1 बॉलर, मतलब विकेट लेके बनाए, पर अभी का जो फॉर्म है उसको ना रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, और फॉर्म जो है इस समय जिस तरीके से हाथ से गेंद निकल रही है, जितने आप उनको मौके दे रहे हैं, हर मौके पे जो 5 विकेट 4 विकेट मोहाली के पाटे पे 5 विकेट, आई मीन वो अलग लेवल है, और अगर आप वो विकेट शुरू में चटका देते हैं ना तो फिर खेलना वो मतलब रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं आप सामने वाली टीम की, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट सिर्फ 1-2-3 पे चलता है, अगर आप अभी की छोड़ो, अब पिछले 4 वर्ल्ड कप के एडिशंस निकाल के देख लो, आपको हर बार ना हाईएस्ट रन स्कोरर कौन मिलता है, ओपनर, फिर ओपनर, फिर ओपनर, फिर ओपनर, अरे इसका मतलब है कि 1-2-3 वाले रन बनाते हैं, बाकी सारे तो जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं आके, मेजर जो काम है वो 1-2-3 करता है, अगर आपने उसमें से 2 साफ कर दिए, क्योंकि बुमराह तो एक लेगा कभी 2 भी लेगा, पर अगर दूसरे एंड से भी आपने सांस ही नहीं आने दिया तो सामने वाली टीम को वही फीलिंग होती है जो ना, मतलब आपको कभी वेंटिलेटर पर लगा दिया तो सांस नहीं आ रहा, अब वो सांस नहीं आ रहा, वो वेंटिलेटर पे हो आप, और अगर उसका भी किसी ने काट दिया वो ट्यूब तो फिर आप गए, ये एक्चुअली हालत बहुत खराब हो जाती है, तो सिराज इज अ ब्रिलियंट बॉलर, लेकिन अभी के लिए जो फॉर्म है ना, वो जो फॉर्म है, जो रिदम है, वो शामी के पास है, इंडिया मस्ट